रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है। जिंदगी अपनी ये खैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है। भाईजान आप ही नहीं हम सब खुश हैं। मोहब्बत तुमने भी की है अल्तमश, तो क्या तुम इतना नहीं समझ सकते कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो बस हो जाती है। कहीं ये सारा का हक छीनने की कोशिश तो नहीं कर रही? अरे जब आप ही की नजर में उसकी वालिदा होने के नाते मेरी कोई अहमियत नहीं है तो इस निकाह में शिरकत करने का क्या मतलब है? सोहा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे चाचा जान। आप ये सब क्यों कह रही है चाचा जान? तुम्हारे चाचा जान ने मुझे तुम्हें दिखाने के लिए एक वीडियो दिया है, इसी मोबाइल में है, ये लो। अब फैसला तुम्हें करना है शमा के अल्तमश को सजा हो या ना हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लो तुम्हारी चाचा जान का ही फोन है। अब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो चाचा जान से ही बात कर लो, वो ही तुम्हें समझा देंगे। हेलो, उसे फिल्म दिखा दी तुमने? हाँ फिल्म तो मैंने दिखा दी है, लेकिन शमा को मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही है। आप एक काम करिए ना, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए, आप ही समझा दीजिए उसे। हाँ देती हूँ, शमा ये लो तुम बात कर लो। हेलो, देखो वो वीडियो तो तुमने देख ही लिया होगा। अब तुम्हें इस बात का अंदाजा भी लग गया होगा कि अब तकदीर को कुछ और मंजूर है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो वीडियो मेरे हाथ ना लगता। क्षमा, अल्तमश को चाहती हो, अल्तमश तुम्हें चाहता है। अब मैं क्या चाहता हूं मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम अल्तमश की खैरियत चाहती हो तो इस निकाह से तुम्हें इनकार करना होगा। मेरी बात सुनो तुम। दादा जान को इस बात से बहुत बड़ा सदमा लगेगा। उससे भी बड़ा सदमा पहुंचेगा अगर अल्तमश के हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी। और वो फिल्म देखे तुमने इसका अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि मैं जब चाहूं उसके हाथों में हथकड़ियां लगवा सकता हूं।
शमा, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो निकाह करने से इनकार कर दो और या अल्तमश के हाथों में हथकड़ियां लगते हुए देखो। चाचा जान प्लीज, खुदा के लिए हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर अल्तमश मेरी सोहा का न हो सका तो तुम भी अल्तमश की नहीं होगी। और अगर अल्तमश तुम्हारा बन भी गया तो जेल में चक्की पीसेगा। चक्की क्यों उसके जेल जाने की वजह बनना चाहती हो? तुम्हें इस निकाह से इनकार करना होगा। अगर तुमने निकाह कबूल किया तो ठीक उसी वक्त मेरे फोन से पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया जा चुका होगा। अगर तुम अल्तमश की जिंदगी चाहती हो तो इस निकाह से इनकार कर दो। खुदा हाफिज। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। तुम दोनों ने कैसे सोच लिया कि ये मामला कभी खुलेगा ही नहीं? उसने ये वीडियो तुम्हारे चचा जान के पास इसलिए भेजा ताकि अल्तमश को सजा हो सके। तुम्हारा चचा जान ने मुझे तुम्हें दिखाने के लिए एक वीडियो दिया है, इसी मोबाइल में है, ये ले लो। मगर कानून की नजर में तू कातिल है, बचेगा तू भी नहीं। एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर अल्तमश मेरी सोहा का न हो सका तो तुम भी अल्तमश की नहीं होगी। अगर तुमने निकाह कबूल किया तो ठीक उसी वक्त मेरे फोन से पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया जा चुका होगा। जो कुछ भी हुआ है
वो एक साजिश थी। क्या जानबूझकर जमाल चाचा जान ने ये साजिश रची थी सोहा की खुशियां उसे देने के लिए? क्या ये सब कुछ एक जाल था जिसमें अल्तमश को फंसाया गया, जिसमें फंसाकर अल्तमश के हाथों एक कत्ल करवा दिया गया? क्योंकि जमाल चाचा जान के सामने सोहा को इस घर की बहू बनाने का और कोई चारा नहीं था। मुकदमे की वजह से ये रिश्ते पूरी तरह से टूट चुके थे। हाँ, शायद इसीलिए जमाल चाचा जान ने ये खेल खेला है। इतनी बड़ी साजिश, आखिर क्या करना चाहिए हमें? या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, मुझे राह दिखा कि मैं क्या करूं। अपी, चलिए जल्दी कीजिए, महफिल में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ रुबीना। अपी, ये क्या आपकी आंखों में आंसू? नहीं, कुछ नहीं। क्या हो रुबीना, क्या कर रही हो? कितना वक्त हो गया पता है, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। माफ कर दीजिए अम्मी। शमा, आखिर वो मुबारक लम्हा आए क्या है? ना जाने तुम्हें इसका कब से इंतजार था और हमें। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। जितना खुश होना है खुश हो लीजिए चाचा जान, लेकिन आपकी ये खुशी कुछ लम्हात की है। होगा वही जो मैंने सोचा है, जमाल का कमाल अब सब देखेंगे। महफिल सजी है शमा के नाम, लेकिन रोशन होगी सोहा की जिंदगी। जी अब तुम बहू को बुलाने गए थे, क्या हुआ? अबू जान आप फिक्र न करें, बस वो अभी आती होगी। क्या बात है चाचा जान? अल्तमश की वालिदा शहनाज नजर नहीं आ रही। सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं जी। अहमद मिया, मिर्जो मिर्जो आ गए तुम। क्या हाल? इस गरीब खाने में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। वाह, आपकी जवानी तो आज भी कायम है।
कहीं लखनऊ में आपने कालक का कारखाना तो नहीं खोल रखा है? अरे नहीं मियाँ, हमारी जितनी भी सफेदी थी ना, सब आपके लिए दिल्ली में भेज दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई मुबारक हो, मुबारक। लेकिन आपने आने में बहुत देर कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए घुसता है। लेकिन एक बात है, आपने हमारी बात पर तवज्जो नहीं दी। कौन सी बात? भाई हमने आते ही आपसे कहा कि मुबारक हो, हमने दो बार कहा कि मुबारक हो, मुबारक हो, लेकिन आपने शुक्रिया अदा सिर्फ एक बार किया, ऐसा क्यों? भाई हमने तो दो बार मुबारकबाद इसलिए दी थी कि अल्तमश आपका पोता है और शमा आपकी पोती है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन आपने शुक्रिया अदा सिर्फ एक बार किया, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलिए शुक्रिया शुक्रिया, अब तो आप खुश हैं। उस जमाने में भी हम आपसे मार खाया करते थे और आज भी खा रहे हैं। याद है आपको? सब कुछ याद है। तो ये तशरीफ लाइए। अच्छा दो बार बोलना पड़ेगा। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। पहले पहले आप लखनऊ से तो आप आए हैं, लेकिन पहले आप आइए। जवाल जवाल। वकील साहब? जी मैं। वाले जब से आपने लखनऊ छोड़ा अब तो मैं भूल ही गए। वो मैं सरकारी वकील हूं ना, सरकारी नौकर हूं, तो तबादला तो होता रहता है, कभी लखनऊ कभी। इजाजत से मैं अभी आता हूँ। जी ऐसा आइए। माजरा क्या है, आप जमाल को कैसे जानते हैं? इनसे हमारा तारुफ लखनऊ में हुआ था। और आपको मालूम है कि जमाल साहब हमारे सबसे बड़े भाई साहब के सबसे बड़े बेटे हैं। क्या? आइए तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आइए घर आप ही का है, आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। तो दुल्हन आ गई? हाँ। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। क्या हुआ, क्या कहा शमा ने? कहेगी क्या? अंदर से बहुत डरी हुई लगती है। मुझे नहीं लगता कि वो अब इस निकाह को कबूल करने की हिम्मत जुटा पाएगी। अगर उसने निकाह कबूल करने की हिम्मत की तो मैं भी वही करूंगा जो मैंने कहा है। इस घर में अल्तमश और शमा के निकाह की खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। अल्तमश के गिरफ्तार होने का मातम होगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, होगा वही जो आपने सोचा है। अरे हाँ, वो मिर्जा यहाँ क्या कर रहा है? वो लखनऊ से यहाँ कैसे आ गया? ओ बेगम, किसका रिश्ता किसके साथ निकल आए ये कौन कह सकता है? वो चचा जान के पुराने ताल्लुकात हैं उनके साथ, वो मुबारकबाद देने लखनऊ से चले आए होंगे। हाँ हाँ, मैं तो उन्हें देख के परेशानी हो गई थी, कहीं हमारा मामला ना खुल जाए। बेवकूफी की बातें मत कीजिएगा आप। भला उन्हें कैसे पता कि हम क्या प्लान कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि वो उसी तरफ की है ना। बेगम, आप उतना ही कीजिए जितना आपको कहा गया है। अब इस वक्त आपका शमा की नजरों के सामने होना बहुत जरूरी है। अब क्यों? ताकि उसके जहन में हमारा खौफ मिटने ना पाए। अब आप जाइए। जाइए। काजी साहब निकाह पढ़ाइए। इजाजत? इजाजत है। Thank you.
शम्मा शम्मा, आपका निकाह तमशवल अजगर अली के साथ हक महर 2 लाख रुपए। दो लाख रुपए मुकर्रर की गई है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? शमा, बोलो। हाँ, अपने सीने का हर एक दर्द छुपाने के लिए, अपने सीने का हर एक दर्द छुपाने के लिए जलती है पिघलती है जमाने के लिए।